हेलो दोस्तों, बुनियादी एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना कोशिका वाला चैप्टर चल रहा था और कोशिका में जो अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा चैप्टर बताया था? माइटोकॉन्ड्रिया चैप्टर बताया था, ठीक है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज अपन विस्तृत जानकारी जुटाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या चीज, या अपने इसे अपने शरीर का या कोशिका इसे क्या कहते हैं, यह अपने शरीर में क्या कार्य करता है। सबसे पहले देखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया इसे हिंदी में अपने क्या कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में अपन दोस्तों इसे सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे किस नाम जानते हैं तो आप बता देना, हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम जानते हैं? हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया को। अब इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। तो खोज के बारे में देखिए दोस्तों, इसमें खोज के बारे में हर जो बुक्स है या हर जो गाइड है वो अलग अलग प्रकार से इसमें खोज के बारे में इसमें दे रखा है, लेकिन मैं आपको जो बात करूंगा वो एनसीईआरटी कंटेंट के आधार पर करूंगा। एनसीईआरटी कंटेंट के आधार पर करूंगा कि इसकी खोजकर्ता कौन है। तो वो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसकी बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो खोज किसने की थी दोस्तों, एनसीईआरटी की बुक्स के अनुसार जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज करता है वह कोलिकर। कौन है? कोलिकर। तो आपको याद रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज करता है तो वो कौन है, तो आपको याद रखना ये कोलिकर। लेकिन कई पुस्तकों में या कई गाइडों में ये भी दे रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज करता है वो अल्टमैन को माना गया है। किसको माना गया है? अल्टमैन। कि अल्टमैन या अल्टमैन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया खोज करता है। दोस्तों खोजकर्ता अल्टमैन नहीं है, अल्टमैन नाम दिया था। अल्टमैन ने नाम दिया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था? अल्टमैन ने एक नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। लेकिन खोजकर्ता कौन था तो आपको याद रखना कोलिकर था। और इसने कब खोज की थी तो आपको याद रखना 1880। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, नाम के बारे में बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है तो नाम के बारे में दोस्तों याद रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है ये दिया था बेंडा ने। एक बेंडा नामक वैज्ञानिक था, एक बेंडा नामक वैज्ञानिक था। और बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों आप याद रखना ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या दिया था? नाम दिया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया का अपने शरीर में क्या कार्य है ये अपन बात करते हैं। कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपने शरीर में क्या कार्य है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? जो सेल्स है और सेल्स को मैं कोशिकाओं की ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ये सेल्स को क्या प्रदान करता है? शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। और ये ऊर्जा किस रूप में प्रदान करता है तो ये ऊर्जा एटीपी के रूप में प्रदान करता है। किस रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में ये क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। और एटीपी को आपको याद रखना, एटीपी को अपन क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। एटीपी को अपन किस नाम जानते हैं? ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, या एनर्जी फ्रेनर्सी के नाम से भी जानते हैं। किसको? एटीपी को। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस रूप में? एटीपी रूप में होती है। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, या कोशिका का शक्ति ग्रह। हिंदी में अपन क्या कहते हैं? इसे हिंदी में अपन क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह के नाम से भी जानते हैं, या हिंदी में इसे अपन किस नाम जानते हैं? हिंदी में इसे अपन क्या है? बिजली घर के नाम से भी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका शक्ति ग्रह भी कहते हैं, बिजली ग्रह भी कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं इंग्लिश में। और इसमें ऊर्जा जो मुक्त होती है वो किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। और इसीलिए इसको अपन एटीपी को अपन क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। अब यहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि कोशिका के किस अंग में शोषण एंजाइम पाए जाते हैं? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों क्या होता है? शोषण एंजाइम पाया जाता है। मतलब शोषण के द्वारा और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से यहाँ क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया किस बाग में? तो क्रिस्टी बाग में। ये आपको याद रखना। और यहां से भी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का शोषण केंद्र भी कहते हैं। कोशिका का शोषण माइटोकॉन्ड्रिया हो गया शोषण का। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? शोषण का क्या कहते हैं? केंद्र भी कहते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाए जाते हैं? शोषण एंजाइम पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है शोषण एंजाइम पाए जाते हैं। और इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं? शोषण का केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शोषण का केंद्र भी कहते हैं। या कोशिका के किस
बाहर में या कोशिका में शोषण एंजाइम पाया जाता है, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में पता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दोहरी झिल्ली वाला, मतलब दोहरी झिल्ली वाला कोशक है, इसके मतलब चारों डबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिका है मतलब इसके चारों के डबल मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली पाई जाती है। ये किस प्रकार का कोशिका है तो आपको याद रखना दोहरी झिल्ली वाला कोशिका है। इसके अलावा मैं और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, मतलब ये कोशिका का एक ऐसा कोशिकांग है। जैसे दोस्तों डीएनए के बारे में आप बात है ना, तो डीएनए के बारे में अगर अपन बात करें तो डीएनए जो पाया जाता है कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केंद्र में पाया जाता है। डीएनए आरएनए गुणसूत्र आदि कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, ये केंद्र कोशिका में पाया जाता है। लेकिन एक माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा हरितलौक है, ये दो कोशिका के ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें क्या पाया जाता है, खुद का स्वयं का डीएनए पाया जाता है। और इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अर्धस्वायत्त शासन भी कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, अर्धस्वायत्त शासन, अर्धस्वायत्तशासी। इसे अपने क्या कहते हैं, अर्धस्वायत्तशासी अंग के नाम से भी जानते हैं। किसे कहते हैं तो आपको याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसमें खुद का क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाता है। खुद का क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाता है। फिर अपने यहां से बात करें क्योंकि सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होता है, क्योंकि वो शक्ति प्रदान करने वाला सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो पक्षी होते हैं, पक्षियों की उड़न पेशियों में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। आपको याद रखना जो पक्षी होते हैं और पक्षियों की जो उड़न पेशियों में, पक्षियों की जो उड़न पेशियां होती है ना, और उड़न पेशियों में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। आप सुनते हो कि अफ्रीका महाद्वीप से या साइबेरियन सास अपने राजस्थान में आते हैं या अपने भारत में आते हैं, तो ये कम से कम आप समझ लें 5,000 किलोमीटर या 5-6,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उनकी जो उड़न पेशियां है, उनकी उड़न पेशियों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये दोस्तों मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया वाला पूरा कंटेंट अच्छी तरह से बता दिया है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा कंटेंट है। अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।